हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो G34 5G फ़ोन में आप कैसे स्क्रीन पिनिंग को आप कैसे सेट कर सकते हैं मोटो मोबाइल में। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन में स्क्रीन पिनिंग को सेट कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपली देख सकते हैं आइकन शो हो रहे हैं, तो स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन, सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो स्क्रीन पिनिंग सेट कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन आ रहा है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, तो इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है, जहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐप पिनिंग यानी स्क्रीन पिनिंग ऑप्शन आ जाएगा, जिसको ऑन कर देना है कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन आ गया है, जहाँ से आप बैक करते हैं और जैसे स्क्रीन पिनिंग को लगाना चाहते हो इस पर क्लिक करेंगे और पिन कर देंगे इसको, तो आपकी स्क्रीन पर पिन लग जाएगा और जैसे आप इसको बैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने इसकी स्क्रीन पिनिंग लगा दिया है। तो इस तरीके से स्क्रीन पिनिंग को आप सेट कर सकते हैं, इसको से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको बैक करना चाहें तो इस तरीके से आप दोनों बटन से एक साथ प्रेस करते हैं, देख सकते हैं कि ऐप अनपिनिंग हो जाएगा और उसको आप यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से स्क्रीन पिनिंग को सेट कर सकते हैं मोटो मोबाइल में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, और मिलते हैं अगली वीडियो में।